केशरपुरी गांव में मंगरू अपनी माँ माया के साथ रहा करता था। इस गांव में हड्डियों से जुड़ी दिक्कतें हर इंसान को थी, मानो ये अब पुश्तैनी देन हो गई हो। आज मंगरू अपनी 60 वर्षीय माँ को व्हीलचेयर पर बिठाकर बढ़ई के दुकान ले जा रहा था। क्या हाल चाल है मंगरू, आज माताजी के साथ यहाँ कैसे आना हुआ? वो भैया, आपने ये जो व्हीलचेयर हमें दी है ना, ये कुछ ठीक नहीं है। अभी महीना भर भी नहीं हुआ इसे बनवा के और ये फिर खराब हो गई। पूरा गांव भी तो यही इस्तेमाल कर रहा है। तुमने खरीदी थी 2 साल पहले, तो अब खराब तो हो ही जाएगी ना। बेटा बढ़ई, तुम्हारे पिता जो व्हीलचेयर बनाते थे वो तो इतने मजबूत होते थे कि 2 पुश्ते इस्तेमाल कर ले। वो क्या है ना, वो पिताजी बनाते थे चाची। देखो भैया, ना लेना है तो बता दो, वरना जब पैसे होंगे तब आ जाना। चलो मंगरू, और परेशान करना ठीक नहीं। दोनों वहाँ से सरपंच के घर की ओर निकल पड़ते हैं। आओ मंगरू। प्रणाम माता जी, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अभी बढ़ई के दुकान से लौटे हैं, कोई मदद नहीं मिली। अगर हो सके तो कोई पुराना व्हीलचेयर हो तो मुझे दे दो। आप चिंता ना करें, इस साल जो व्हीलचेयर बांटेंगे ना, उसमें से मैं आपको भी एक दे दूंगा। सरपंच जी, एक बात पूछूं? पूछो पूछो, क्या बात है? जब तक हम इस बीमारी को जड़ से ठीक नहीं करते, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मंगरू, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन हम लोग इसके लिए कुछ कर नहीं सकते। तुम सब जवान खून हो, कोशिश करना कि तुम्हारी आयु में इसका कोई ना कोई उपाय कर लो। ठीक है सरपंच जी, अच्छा अब मैं चलता हूँ। मंगरू अपने घर की तरफ लौट जाता है। बढ़ई, जो कि सिर्फ अपने फायदे के लिए खराब व्हीलचेयर बना रहा था, उससे मंगरू बहुत ही निराश था। रात हो चुकी थी और माया के सोते ही मंगरू नदी किनारे टहलने चला जाता है। मंगरू नदी किनारे बैठकर पत्थर मार रहा था और खुद से बातें कर रहा था। पता नहीं क्या दिक्कत है इस गांव में, आयु 50 पहुंची नहीं कि लोगों की हड्डियां जवाब दे देती हैं, और वो बढ़ई, लोगों की जरूरत है तो चीजों को जानबूझ के ऐसे बनाता है कि जल्दी खराब हो जाए और लोग उससे बार बार खरीदें। तभी नदी से एक महिला के चिल्लाने की आवाज आने लगी। बचाओ, बचाओ, बचाओ! अरे कौन है, क्या हुआ? चिल्लाते हुए वो आवाज बाहर आ जाती है और पता चलता है कि कोई घायल मगरमच्छ है जिसके पैरों में मछुआरों का कांटा घुसा है। अरे मोरी मैया, ये क्या है? मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। मंगरू को बहुत डर लगता है, फिर भी वो हिम्मत जुटाकर उस मगरमच्छ की पीड़ा दूर करने के लिए चला जाता है। मंगरू मगरमच्छ के पैरों से वो कांटा निकाल देता है और एक कपड़े से उस घाव को बांध देता है। लो, अब राहत होने में थोड़ा समय लगेगा। तभी वो मगरमच्छ एक सुंदर जल कन्या के रूप में परिवर्तित हो गई और मंगरू से मुस्कुराकर कहने लगी, मैं एक जल कन्या हूँ। मुझ पर एक बहुत ही बड़ा श्राप था। मैंने अपने रूप के अहंकार में एक ऋषि को क्रूर बातें कही थी और उनका अपमान किया था। तब से उन्होंने मुझे श्राप दिया था कि मेरा भयानक मगरमच्छ जैसा चेहरा हो जाएगा और कोई बहुत ही साहसी और नेक इंसान होगा जो कि इस रूप को देखकर भी मेरी मदद करेगा, तब मैं श्राप मुक्त हो पाऊंगी। साहस, धीरज, शील सब है तुम में। इन सब गुणों से खुश होकर मैं तुम्हें एक इच्छा मांगने का अवसर देती हूँ। मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता देवी, पर आप यदि चाहें तो इस गांव में जो रोग लगा है हड्डियों का, वो हर ले तो अच्छा रहेगा। स्वार्थ रहित भी हो, ठीक है। तथास्तु, तुम्हारे घर के पास एक कुआं आ जाएगा। उस कुएं में केवल दूध से बनी चीजें तुम अपनी इच्छा से निकाल सकते हो। पर उससे गांव की मदद कैसे होगी देवी? दूध पहले से ही हड्डियों के लिए फायदेमंद है, मगर ये दिव्य दूध, चाहे इसे पियो या इसके इर्द गिर्द भी रहो, तो वो सारी दिक्कतें जड़ से खत्म कर देगा।
ध्यान रहे मंगरू, ये तुम्हारे गुण देखकर मैंने तुम्हें दिया है। इसका इस्तेमाल केवल तुम्हारी इच्छा से ही हो सकता है। अब मैं विदा लेती हूँ, कल्याण हो। मंगरू बड़ी ही खुशी से अपने घर पहुँचा और पाया कि वहाँ पर एक कुआं है और उसमें सफेद दूध है। जय हो देवी की। अगले दिन मंगरू पंचायत बुलाता है और सभी मंगरू के घर के बाहर खड़े रहते हैं। वहाँ गांव के लोगों के साथ सरपंच, बढ़ई और सोमनाथ मिस्त्री भी मौजूद था। आप सभी का स्वागत है। मैंने आपको एक विशेष कारण से बुलाया है। सुनने में तो बहुत ही विशेष लगता है, पर आखिर बात क्या है? जिस हिसाब से बता रहे थे उतनी ही विशेष बात हो तो अच्छा होगा। अपना कीमती समय यहाँ जो दे रहा हूँ। हाँ भाई, बिल्कुल विशेष है। ये जो कुआं देख रहे हो ना, एक जलकन्या ने गांव की परिस्थिति को समझकर ये दूध का कुआं दिया है। यह मेरी इच्छा से जो भी दूध के पदार्थ मैं इस कुएं से निकालूं, उसके इर्द गिर्द रहकर पूरे गांव की हड्डियां ठीक हो जाएंगी और ये पुश्तैनी बीमारी गायब हो जाएगी। मजाक है क्या? यही विशेष बात थी जिसके लिए बुलाया था हमें। मैं जानता हूँ कि यह वरदान और श्राप की बातें मानना मुश्किल है। आप लोग खुद उस कुएं के दूध से दूध को चेक कर देख लीजिए। मंगरू की बात सुनकर सभी गांव वालों ने कुएं में झांक कर देखा और पाया कि सही में उस कुएं में दूध है। सब चकित रह गए। फिर मंगरू ने बाल्टी से दूध निकाल कर सबको दूध पिलाया। मेरी उम्र भी अब उस रेखा को पार करने वाली थी जहाँ मेरी हड्डियाँ जवाब दे दें, पर इस दूध को पीते ही थोड़ा असर जरूर महसूस हुआ। हाँ प्रधान जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम मंगरू की बात मान ले तो हमें इस पुश्तैनी बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ सोमनाथ, और मैंने इसीलिए तुम्हें बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर हर घर को इस दूध से बने हुए पनीर से बनाएं। मेरी इच्छा से ये पनीर के रूप में बाहर आएगा और ठोस हो जाएगा। ठीक है मंगरू। सभी बड़े खुश थे और अगले ही दिन सब मिलकर घर में पनीर बनाने लगे। मानो गांव में खुशी की एक नई लहर आई हो, मानो गांव के लोगों में एकता का जन्म हुआ हो। हर कोई देखना चाहता था कि पुश्तों से चली आ रही इस बीमारी का अंत कैसा होगा और वो कितना सुगम होगा। मिस्त्री और सरपंच मंगरू के घर बैठे थे। माया भले ही डंडे की मदद से चल रही थी, पर अब वो चल पा रही थी। मात्र 2 महीनों में इतना सुधार हुआ है कि पूछो मत। हाँ सरपंच जी, अगर सब ठीक रहा तो मात्र 2 साल में ये दिक्कत जड़ से खत्म हो जाएगी और आने वाली पीढ़ी को कभी दिक्कत ही नहीं होगी। पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि वो बढ़ई, उसने मेरी नाक में दम कर रखा है। कहता है कि मैं गांव की मदद ना करूं। बचपन की दोस्ती की कसमें देना और उससे काम ना बना तो नाता खत्म करने की धमकियां देने लगा। ये तो चिंता की बात है। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है सरपंच जी? तुम भोले हो बेटा मंगरू, इसीलिए समझ नहीं पा रहे। अगर सबकी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी तो उसका धंधा तो चौपट हो जाएगा ना। मंगरू कुछ सोचने लगा पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। कुछ कहते क्यों नहीं मंगरू, अगर कोई बात है तो हमें बताकर मन हल्का कर लो। नहीं, शायद हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। पर वो क्यों? अगर असल में बढ़ई कुछ करने की कोशिश करेगा तब आप खुद ही समझ जाएंगे। मैं बढ़ई पर अब भी भरोसा रखना चाहता हूँ और यदि कोई दिक्कत आई तो उसका असर गांव पर नहीं होगा। ठीक है, जैसा तुम कहो मंगरू। सब अपने घर चले गए और मंगरू गांव में दूध बांटने निकल गया। देखते ही देखते शाम हो गई। बढ़ई कुएं के पास एक बाल्टी में कुछ लेकर खुद से बातें कर रहा था। आया बड़ा मेरा धंधा चौपट करने वाला। लोगों का नेता बनने का बहुत शौक है ना। ये सारा केमिकल डालकर इस पूरे दूध को खराब कर दूंगा, फिर देखते हैं। बढ़ई पूरी बाल्टी कुएं में खाली करने लगा। तभी अचानक उस कुएं के ऊपर वही सुंदर जल कन्या प्रकट हो गई। इस दुनिया में कर्मों का बड़ा खेल है। चाहो या ना चाहो, जान कर करो या अनजाने में, पर कर्म करे बिना जीवन नहीं चलता।
कौन हो तुम और कहना क्या चाहती हो? कहना मैं ये चाहती हूँ कि अगर कर्म करने ही हैं तो अच्छे करो, वरना खराब कर्मों का प्रतिफल बहुत ही कड़वा होता है। अच्छा, बड़ी बड़ी बातें मत करो, कौन देगा मुझे सजा? हाँ तुम्हारी भ्रष्ट सोच और कर्मों का बस एक ही उपाय है, मैं तुम्हें ये श्राप देती हूँ कि तुम्हारी हड्डियाँ लचीली हो जाएंगी और तुम खुद का भार भी नहीं उठा पाओगे। तब तुम्हें समझ आएगा कि जिन लोगों को ये दिक्कत है वो कैसे झेलते हैं, और ये श्राप तभी टूटेगा जब कोई इंसान जो कि बिल्कुल भी भ्रष्ट ना हो और नेक हो वो तुम्हारी मदद करेगा, वो तुम्हारी करतूतों को जानकर भी तुम्हें माफ कर दे। तभी बड़े ही अचानक से किसी लचीली वस्तु की तरह जमीन पर गिर गया और जल कन्या वहाँ से गायब हो गई। बचाओ मुझे, बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ मुझे। मंगरू तभी सोमनाथ के साथ वहाँ पहुँचा और देखा कि बढ़ई किसी लचीली वस्तु की तरह जमीन पर गिरा हुआ है। अरे भाई बढ़ई, ये क्या हुआ तुम्हें? भैया बचा लो, मुझे माफ कर दो, इस श्राप से मुक्त कराओ। पर तुमने ऐसा किया क्या है? वो बढ़ई रोते रोते सारी बातें बताता है। सोमनाथ बड़े गुस्से में कहता है, लेकिन तुम्हारा काम माफ करने योग्य बिल्कुल नहीं है। माफ कर दो भाई, माफ कर दो। तुम्हें ये समझना होगा कि भ्रष्ट होने के कारण तुम्हें ये श्राप मिला है। लोगों की पीड़ा का फायदा तो तुमने उठाया ही, पर जब वो पीड़ा से दूर होने लगे तो तुमने फिर उन्हें उसी पीड़ा में झोंकने की कोशिश की। मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, जब खुद पर बीत रही है तब समझ आ रहा है मेरे बाबा लोगों की इतनी मदद क्यों करते थे। ठीक है, मैं बिना किसी शर्त के तुम्हें माफ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे अंदर का इंसान जाग जाए। तभी बढ़ई ठीक हो गया और हाथ जोड़कर मंगरू को प्रणाम करने लगा। इस घटना के कुछ ही सालों बाद गांव की ये पुश्तैनी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई। देवपुर गांव में माया और वीना नाम की दो पड़ोसने रहती थी। वीना का परिवार फूला फला था, उसके पति की कमाई भी काफी अच्छी थी। वही माया एक विधवा थी, उसके पति को मरे हुए 4 बरस बीत गए थे और वो गांव में छोटा मोटा काम करके अपने और अपने बेटे का पेट पाल रही थी। रवि और रोहन एक साथ खेला करते थे। चल रवि, मैं बाजार जा रहा हूँ, आज मेरी मम्मी मुझे आइसक्रीम खिलाएंगी। सच में? हाँ, अब मैं जाता हूँ वरना मम्मी डांटेगी। रोहन वहाँ से चला गया पर रवि के मन में आइसक्रीम खाने का ख्याल घर कर गया। रवि ने कभी आइसक्रीम खाई नहीं थी, बस दूसरे बच्चों को खाते हुए देखी थी। खैर, रवि मायूस होकर अपने घर लौटा। क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? माँ, मुझे भी आइसक्रीम खानी है, राहुल की मम्मी उसे आइसक्रीम खिलाने बाजार ले गई है। बेटा, तू तो समझदार है ना? हाँ, मैं जानता हूँ माँ कि हमारे पास आइसक्रीम खरीदने के पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, छोड़िए, आज आपने खाने में क्या बनाया है? तेरी पसंदीदा दाल चावल, तू खा ले, मैं काम पर जाकर आती हूँ। ठीक है माँ। माया का ध्यान रवि के उतरे हुए चेहरे पे था, वो रास्ते भर रवि के बारे में सोचती रही। काश मैं कुछ और पैसे कमा लेती जिससे मैं रवि को आइसक्रीम खिला सकती, उस बेचारे का कितना मन है। हे भगवान, मेरी मदद कर दीजिए। वृक्ष देव ने माया की बात सुन ली और उसके सामने प्रकट हो गए। पुत्री, मैं तुम्हारी विपदा समझ सकता हूँ, तुम अपने बेटे की इच्छा पूरी करना चाहती हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हे प्रभु, आप सच में मेरी मदद करेंगे? क्या मेरा बेटा सच में आइसक्रीम खाएगा? हाँ, ये लो। वृक्ष देव ने माया को कुछ बीज दे दिए। इन्हें अपने आंगन में बो दो, अगले दिन इसमें से जो पौधे आएंगे उनमें आइसक्रीम टंगी होगी। आइसक्रीम के पौधे? हाँ। माया ने वृक्ष देव का आशीर्वाद लिया, वो जादुई बीज लेकर अपने घर लौटी। घर के बाहर आंगन में एक छोटा सा खेत था,
माया ने सारे बीज इसी छोटे से खेत में बो दिए। माँ, ये आप क्या कर रही हो? मैं आइसक्रीम के पौधों के बीज बो रही हूँ। आइसक्रीम के पौधे? हाँ बेटा, वृक्ष देव ने खुद मुझे ये जादुई बीज दिए हैं। इनमें आइसक्रीम उगेगी सच में? हाँ। वाह, फिर तो हम आइसक्रीम खा भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर हम ढेर सारी आइसक्रीम उगा कर बेचे तो हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और मुझे गांव में काम करने की भी जरूरत नहीं। हाँ माँ, हम तो बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। बिल्कुल, अब इन बीजों में पानी डाल दो। जी माँ, आज आप काम पर नहीं जा रही? नहीं बेटा, कल हमारे खुद की आइसक्रीम के खेत होंगे, तो मैं भला दूसरों के यहाँ काम करने क्यों जाऊँ? वो भी है। माया ने सोच रखा था कि अगले दिन आइसक्रीम उगेगी, वो उन आइसक्रीम्स को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाएगी। इसी विचार से वो अपने काम पर भी नहीं गई। उसके मन में पैसों का लालच आ गया था। रात में उसे नींद भी नहीं आ रही थी। वो सोच में डूबी थी कि आइसक्रीम बेचकर वो कितने पैसे कमाएगी। मुझे एक आइसक्रीम कितने में बेचनी चाहिए? क्या सारी आइसक्रीम अलग अलग होंगी या एक जैसी? ये सारे ख्याल उसके दिमाग में घूम रहे थे। खैर, सुबह हुई और माया दौड़ते हुए घर से बाहर आई और उसने अपने खेत देखे तो वहाँ कुछ भी उगा नहीं था। अरे ये क्या, वृक्षदेव ने तो कहा था कि वो जादुई बीज है, उनसे एक दिन में ही आइसक्रीम का पेड़ उग जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। माया मायूस हो गई थी। रवि भी घर के बाहर आया और अब उसका भी मुंह लटक गया। माया ने रवि का हाथ थामा और उसे लेकर निकल गई। वो उसी वृक्ष के पास आई। वृक्षदेव, वृक्षदेव! वृक्षदेव प्रकट हुए। क्या हुआ पुत्री, तुम इतनी क्रोधित क्यों हो? आपने कल मुझे जादुई आइसक्रीम के बीज दिए थे और कहा था कि एक ही दिन में वो उग जाएंगे, लेकिन उन बीजों में से तो कुछ नहीं होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? पुत्री, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने क्या किया? मैंने वो बीज अपने छोटे खेतों में बो दिए और उन्हें पानी भी डाल दिया। फिर भी नहीं उगे, अजीब है। खैर, ये लो नए बीज, इस बार जरूर आइसक्रीम के पौधे उग जाएंगे। माया ने वो नई जादुई बीजे ली और वापस घर की ओर चल पड़ी। एक बार फिर उसने अपने आंगन में वो बीज बो दिए और उन पर पानी डाला और इंतजार करने लगी। अगली सुबह भी वहाँ कोई पौधा नहीं था। ये देखकर माया क्रोधित हो गई और गुस्से में वृक्ष देवता के पेड़ की ओर चली गई और पहुँचते ही रोने और चिल्लाने लगी। वृक्षदेव, आप मेरी गरीबी का ऐसा मजाक उड़ाएंगे ऐसा सोचा नहीं था। पुत्री, मैंने तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं किया। मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें वो जादुई बीज दिए थे क्योंकि तुम अपने बेटे को आइसक्रीम खिलाना चाहती थी। आपकी दी हुई बीज बोकर मैंने कितने सारे सपने देखे थे कि उन पर आइसक्रीम के पौधे उगेंगे, आइसक्रीम बेचकर मैं पैसे कमाऊंगी और अमीर बन जाऊंगी, मुझे लोगों के घर में काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यही तुमसे गलती हुई है पुत्री। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने तुम्हें वो बीज तुम्हारी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए दिए थे, पर तुम्हारे मन में लालच पनप गया। तुम आइसक्रीम बेचकर पैसे कमाने के लिए सोचने लगी। वो जादुई बीज इसीलिए नहीं उगे क्योंकि तुम्हारे विचार बदल गए। अगर तुम उसे अपने बेटे की इच्छा के लिए उगाती तो आज उनमें आइसक्रीम जरूर होती। माया को अपनी गलती समझ आ गई। देव ने एक बार फिर उसे जादुई बीज दिए। इस बार बस अपने बेटे की इच्छा पूरी करने का संकल्प लेना, लालच से दूर रहना पुत्री। माया वो बीज लेकर घर लौटी। उसने बीज बो दिए पर आज उसके दिमाग में कोई भी लालच नहीं था। वो बस अपने बेटे को आइसक्रीम खाते देखना चाहती थी।
अगली सुबह रवि घर के बाहर गया तो वो नजारा देखकर हैरान हो गया। माँ, माँ, आइसक्रीम उग गई। माया भी उत्सुक होकर घर से बाहर आई और उसने देखा कि एक नहीं कई सारे पौधों पर आइसक्रीम थी और कई गरीब बच्चे उन पौधों को देखकर लाल टपका रहे थे। अरे बच्चों, तुम लोग आइसक्रीम तोड़ सकते हो। गरीब बच्चों ने और रवि ने आइसक्रीम तोड़ ली और खाने लगे। सभी के चेहरे पर संतुष्टि देखकर माया को अपनी गलती समझ आ गई। आइसक्रीम बेचकर तो बस पैसे मिलते पर ऐसी संतुष्टि नहीं मिलती। धन्यवाद वृक्षदेव इन आइसक्रीम के पौधों के लिए और मुझे ये सब समझाने के लिए कि पैसे ही सब कुछ नहीं है। आपने मुझे लालची बनने से बचा लिया। माया ने भी एक आइसक्रीम तोड़ ली और दोनों माँ बेटे खुशी खुशी आइसक्रीम खाने लगे और वो लोग मुफ्त में सबको आइसक्रीम बांटने लगे। कड़ी गर्मी के मौसम में ठंडी आइसक्रीम लोगों को अलग ही संतुष्टि दे रही थी। माया वापस अपने काम पर लौट गई। आज वो भले ही गरीब रह गई पर मन से वो बहुत अमीर हो गई। वो खुशियाँ बांटना सीख गई।